दोस्तों सब्सक्राइब करें चमत्कारी समाधान को, प्रेस करें इस बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं हूं राशि। दोस्तों विशाख शुक्ल अष्टमी को देवी बगलामुखी का अवतरण दिवस कहा जाता है, जिस कारण इसे मां बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2017 में ये जयंती 3 मई को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत और पूजा उपासना की जाती है। साधक को माता बगलामुखी की नियमित पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। बगलामुखी जयंती पर्व देश भर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह अनुष्ठान के साथ भजन संध्या और विशेष पूजा का महायोजन किया जाता है। इस महोत्सव में शत्रु नाशिनी बगलामुखी माता का विशेष पूजन किया जाता है और रात भर भगवती जागरण होता है। माँ बगलामुखी शक्ति की देवी है, अर्थात ये अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बर भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनका नाम पीताम्बर भी है। इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधकों को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा समय आ जाता है जब कोई ताकतवर व्यक्ति, शत्रु किसी भी कारण हमें परेशान करने लगता है। हम काफी कोशिशें करते हैं लेकिन अपने शत्रुओं का शमन नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगी एक सरल सा उपाय जिसे करने से आप अपने शत्रु का शमन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से आपको परेशान कर रहा है तो इस बगलामुखी जयंती को यानी 3 मई को आप ये उपाय करें। शौच करते समय शौचालय में बैठे बैठे वहीं के पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपको परेशान कर रहा है या जो आपका शत्रु है, और बाहर निकलने से पहले जिस जगह पर पानी से नाम लिखा है उस स्थान को अपने बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारें। इस उपाय से आपके शत्रु का शमन हो जाएगा। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये प्रयोग किसी बुरी भावना से ना करें, अन्यथा खुद को भी हानि झेलनी पड़ सकती है।